नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। तो भाई कल रातों रात जो है बहुत सारी अपडेट आई आईपीएल के रिटेंशन को लेके, आईपीएल के न्यूज को लेके बहुत सी अपडेट आई। सबसे पहले जो है मैंने आप सभी को टेलीग्राम पे ये सारी अपडेट दे दी थी। अगर आप लोग भाई टेलीग्राम पे हो तो आपको न्यूज तो मिल चुकी है, अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। इसको जो है ना भाई आपको क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लेना है। शुरुआत करते हैं पहली अपडेट की। तो भाई देखिए यहाँ पे जो है ना आज आईपीएल का रिटेंशन है, 30 नवंबर है। तो भाई स्टार स्पोर्ट्स वन, आप लोग जो है ना स्टार स्पोर्ट्स वन के ऊपर आईपीएल का रिटेंशन लाइव देख सकते हो। लेकिन जो टाइमिंग है इसके अंदर जो है भाई बदलाव हुआ है। पहले जो है 5 बजे लाइव आने वाला था, लेकिन अभी जो है ना भाई रिटेंशन रात को 9:30 बजे लाइव आएगा। जी हाँ भाई, टाइमिंग याद रखिए, रात को 9:30 बजे जो है रिटेंशन लाइव दिखाएगा स्टार स्पोर्ट्स वन के ऊपर। ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही थी। तो यहाँ पे जो है ना अब ESPN क्रिक इन्फो पे ऐसी अपडेट आई है कि ऐसे कुछ टीम्स है भाई जिन्होंने उनके कन्फर्म रिटेंशन अनाउंस कर दिए है। यहाँ पे जो है सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। तो चेन्नई की टीम में जो है भाई कन्फर्म जडेजा, धोनी, गायकवाड़ और मोइन अली, ये चार जो है कंफर्म प्लेयर को रिटेन कर लिया है। ड्वेन ब्रावो, फैफ डुप्लेसिस, सुरेश रैना, सभी जो है भाई खिलाड़ी ऑक्शन में जाने वाले हैं। सेकंड टीम वो है केकेआर। केकेआर की टीम में जो है भाई सुनील नरीन, रसल, वरुण चक्रवर्ती और वेंकटेश अय्यर, ये चार प्लेयर को जो है रिटेन कर लिया है। इसका मतलब क्या है, शुभमन गिल ऑक्शन के अंदर जाने वाले है। अगली टीम हैदराबाद। हैदराबाद ने जो है भाई केन विलियमसन को रिटेन किया है। सबसे बड़ा जो सरप्राइजिंग था राशिद खान। जी हाँ भाई, राशिद खान को जो है हैदराबाद की टीम में रिटेन नहीं किया है एज पर ESPN क्रिक इन्फो। अगर ऐसा हो जाता है तब राशिद खान मे भी लखनऊ या फिर अहमदाबाद की फ्रेंचाइज में जाए उनको ज़्यादा पैसे देकर। अगली टीम मुंबई इंडियंस। मुंबई टीम जो है भाई कन्फर्म रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, ये दो जो है कंफर्म प्लेयर को रिटेन कर लिया है। आगे ये लोग और रिटेंशन करेंगे, यानी कि आज जो है मुंबई की टीम अपना अनाउंसमेंट करेगी और नेक्स्ट प्लेयर का। अगली टीम आरसीबी। आरसीबी टीम में जो है भाई कंफर्म विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल, ये दो जो है भाई कंफर्म प्लेयर को रिटेन कर लिया है और आज जो है आरसीबी की टीम उनके और प्लेयर का अनाउंसमेंट करेगी। अगली टीम दिल्ली। दिल्ली टीम में जो है भाई कंफर्म ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, अक्षर पटेल और एंड्रीस नौकिया, ये चार जो है कंफर्म प्लेयर को रिटेन कर लिया है। जो अगली टीम है वो है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है भाई संजू सैमसन को कंफर्म रिटेन किया है और जो बाकी के प्लेयर्स हैं ना भाई ये लोग आज अनाउंसमेंट करेंगे, ऐसी खबर भी आ रही है। अब उससे मैं आप सभी को जो है ना एक सोर्स के हवाले से खबर दे दूं, यानी कि भाई ये खबर ऑफिशियल नहीं हुई है लेकिन हमारे कुछ सोर्स है, रिपोर्टर्स है, उनके हवाले से अपडेट आ रही है। मुंबई इंडियंस की टीम कायरन पोलार्ड को रिटेन करेगी, ये बात हमको मतलब हमारे हाथ में लगी है। अगली बात करते हैं आरसीबी के सिराज की। एक और सोर्स के हवाले से अपडेट आ रही है, आरसीबी की टीम मोहम्मद सिराज को भी रिटेन करने वाली है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के लिए, यानी कि सिराज को जो है आरसीबी की टीम रिटेन करेगी, ऐसी अपडेट आ रही है। तो भाई ये थी आज सुबह की सारी अपडेट्स, मैंने आप सभी तक पहुंचा दी। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, लेकिन सबसे जरूरी है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पे जाइए और जरूर से ज्वाइन करके रख लीजिए। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।